अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सभी? रुखास। क्यों जा रहे हैं? घूमने भी एक गलती है और बहुत बड़े बड़े मसले नहीं है, वो असल में बड़े मसले अली अली भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा ही गर्म मौसम है, अच्छा भी बोलेंगे, गर्म मौसम बोलेंगे। आँचों से गुजर रहे हैं हम तो यार, बहुत गर्मी है यार। ये ट्रेन कैसी है सारी, कहीं भी रुक जाती है, इसको कोई याद भी देगा तब भी रुक जाएगी मुझे लग रहा है। रुक भाई, रुक खड़ी हो जाएगी। अब इतना भी रुकेगी? मैंने कहा ये तो ट्रेन ऐसी है, तुम कोई भी बोलेगा तो रुक 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 आज का कहाँ से घूमेंगे हम लोग? अभी फिलहाल अली रजा के पास जाएंगे, वहाँ से खाना खाएंगे, फिर आगे देखते हैं। और हमारे साथ एक और दोस्त भी हमारे नाम का हुआ है, मैंने बड़ा खूबसूरत हो गया है। हम लोग पहुंच गए कोटरी, और कोटरी पे समय मौसम कैसा है? पेट खराब कर रही है यार। हाँ गर्मी है, एंजॉयमेंट है। बबूल का दरख्त है, बबूल का दरख्त दिखाओ कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग मिरपुर खास पहुँच गए, और इंशाल्लाह अपनी मस्जिद जाते हैं अभी आगे, और मस्जिद इंशाल्लाह आप भी दिखाएंगे आपको। कई स्टेशन है ये, बहुत बेहतरीन ये हमारे अंकल है माशाल्लाह से। ऐसा भाई गर्मी कैसे है यहाँ पे आगे? गर्मी तो वाकई बहुत है, कराची में गर्मी कम है, यहाँ गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। देखो अब आगे क्या क्या होता है। दोस्त ने आना था, अब तक पहुँचा नहीं है, बस अल्लाह खैर रखे, आ जाएगा। Two hours later. हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे एक फेमस जगह है उमरकोट, जो अली भाई ने बताया है। हमारे साथ अली भाई भी हैं, हम जा रहे हैं उमरकोट घूमने के लिए। क्या क्या वैसे मतलब घूमने के लिए वहाँ पर भाई? वो सस्सी पुन्नू का किला भी है, यहाँ पे भी है हमारे पास भी है, वही है वो आधे आधे सूखे बर्तन रखे हुए हैं, बस वही है जनाब। वहाँ चलेंगे हम, थोड़ी सी गाड़ी देखेंगे। आप लोग कभी नहीं आना, हम तो जा रहे हैं वैसे ही, छोड़ दिया ना। बस हमने एक बस जाते हैं, चलने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे चलो मजा के। जो भी चलाएगा ऐसा तुम भी जा रहे हो क्या? तुझे नहीं आता ऐसा? एक है, दो बाइकें थोड़ी चलाऊंगा मैं। तुम भी जा रहे हो क्या भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कहाँ जा रहे हैं? भाई ये तो मिठाई लेके आए, आज ये तो चलाएगा। ऐसा में क्यों पिकनिक का भाई हमारा, हम रास्ते में रह गए और रास्ते में ना चल गया गाड़ी का। इस बंदे की वैसे बंदा नहा के नहीं आया, इसको कहा पहले नहा ले, लेकिन ये बंदा नहाया था घर से नहा। हम रास्ते में पहुंचे और हमारी गाड़ी हो गई ख़राब, जिसकी वजह से हमने सोचा दोबारा जाएँ मीरपुर खास और वहाँ पर जाके इंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया उमरकोट पहुँच सकते, तो दोबारा मीरपुर खास जाते हैं, देखते हैं मीरपुर खास में क्या है, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए घूमने के लिए, अच्छी चीज़ मिलेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। शबी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? दुआएं करो बस। शफी का भी लेकर आया कुछ पिलाने के लिए, ये हमारा बाबा साईं अभी जड़े भी इतने आयो, शायद अफरीदी जो था दल लाजमी पियो, ये दिसो तेरा काजी खान। वैसे ये अफरीदी को भी नहीं पता होगा इसने कब पिया था, ये अगर पता चले खुदकुशी कर ले ये। बस भाई हालात बुरे हैं, बच्चा बनकर ही वापसी जा रहे हैं हम लोग मीरपुर की तरफ, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आया था धूप से बचने नहीं, के लिए। वहाँ पे कोई आउटिंग वगैरह होगी फिर इंशाल्लाह? हम हैदराबाद रोड पे जाएंगे, रात का खाना वहाँ भाई आज हम इनके पास रुके में, तो इंशाल्लाह मैं ये आउटिंग करवाएंगे, जहाँ जहाँ देखिए कतरी रेहान लेकर आए। हम लोग अभी आप
पे आ गए खाना खाने के लिए रात का, और इंशाल्लाह ये खाना मंगवाया हम लोगों ने। तो क्या कर रहे हो हसन, क्या ले रहे हो यार? हम लोग खाना खा के घर आ गए थे और बहुत थक गए थे आज, तो इस ब्लॉग को भी यहीं से एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी मस्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।